सवाल ये था कि अगर दज्जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था तो अब कहाँ है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि दज्जाल जिस कौम का निजात दहिंदा है वो इतनी पावरफुल है कि जमीन की ऐसी छानबीन कर दे कि जैसे फिल्टर जो है वो पानी की करता है। वो तो दिलोजान से इसे ढूंढ रहे हैं तो फिर भी क्यों नहीं मिल रहा, तो इससे लगता है कि वो किसी ऐसी जगह में है कि जहाँ इंसानी अप्रोच नहीं है और ना ही इंसानी आलात की अप्रोच है। तो मैंने जो तहकीक की फिर मैं यही पहुंचा कि वो जगह सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही है, इसके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां इसे ढूंढा ना जा सके। ये बरमूडा पहले ओकियानूस के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 20 जजीरों पर इंसानी मखलूक है, इंसान है, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में। और जो इलाका खतरनाक समझा जाता है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा त्रिकोण जो है इसका कुल रकबा 11,40,000 मुरबा किलोमीटर है। इसका शमाली सिरा जजायर बरमूडा, जनूब मशरकी सिरा पोर्टो रिको, जनूब मगरबी सिरा इसका मयामी है, मयामी फ्लोरिडा। आप जानते हैं कि फ्लोरिडा का माना क्या है? इसका माना है उस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। ये जो जगह है 1850 में ये बरमूडा त्रिकोण और इसके करीब इलाके में 50 से ज्यादा कश्तियां गायब हो गई। अक्सर डूबे हुए बहरी जहाज अमेरिकी रियासत के मातहत थे। पहला बहरी जहाज जो इसके अंदर डूबा 340 अफराद लेकर वो गायब हो गया इसी के अंदर। फिर इसके कुछ अरसे बाद एक आबदोज 1968 में 99 अफराद को लेकर गायब हो गई इसी जगह में। 5 दिसंबर 1945 को तकरीबन 2:10 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एयरबेस से 5 तैयारे उड़े थे। 4 बजे एक तैयारे का पैगाम आया। पायलट बोलता है, अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना है, मैं जमीन नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी जगह का तय्यन नहीं कर पा रहा, हम फजा में कहीं गुम हो गए हैं। एयरबेस से पैगाम आता है, मगरब की तरफ उड़ान जारी रखो। पायलट कहता है, मुझे नहीं पता चला कि मगरबी समत कहाँ है। और जब वो ये मैसेज पहुंचा रहा था वापस, उस वक्त सूरज गुरूब होने का टाइम था, 4-5 का टाइम था, तो उसको सूरज देख लेना चाहिए था। तो अगर नेविगेशन काम नहीं कर रहे तो सूरज गुरूब होने का वक्त था, सूरज देखकर ही समत का तय्यन कर लेते। मगर पायलट तय्यन नहीं कर पाए, आखिरकार रब्ता टूट गया और ये पांचों जहाज भी यहाँ के यही गायब हो गए। इन पांचों तैयारों को तलाश करने के लिए 5 दिसंबर शाम 7:30 पर एक और तैयारा भेजा गया। उसका काम ये होता है कि जो जहाज गुम हो जाए उस जहाज को जाके तलाश करो, और ये जहाज जो है ये पानी के अंदर भी उतर जाता है। बावजूद इस बात के ये महारत तामा रखता था, ये जहाज जो तलाश करने गया वो भी वहां जाकर गुम हो गया। मेरे ख्याल के मुताबिक यही दज्जाल का ठिकाना है। इस जगह शैतानी ताकतों का मरकज है। ऐसी मकनतीसी कशिश लबर की लहरें हैं वहां जो हमारी बिजली से हजार गुना ताकतवर है। और मुझे ये लगता है कि दज्जाल जब आएगा वो इसी ताकत का इस्तेमाल करेगा, और इस ताकत को, जो ताकत बरमूडा ट्रायंगल के अंदर है, जो लहरें हैं, इन पर अगर कंट्रोल हो जाए तो आज जो गाड़ी आप अपने 1960 45 के ऊपर या 59 पे चला रहे हो, ये गाड़ी 10,000 गुना रफ्तार के साथ तेज चलने लग जाएगी। इसके सामने पेट्रोल कोई चीज नहीं, गैस कोई चीज नहीं, इसके सामने बिजली कोई चीज नहीं। ये इतनी पावरफुल ताकत है कि कोई जहाज, बहरी जहाज हो, हवाई जहाज हो, कोई भी जाए, वो इसको, वो लहरें इसको तरोड़ मरोड़ कर चीज का नामो निशान मिटा के रख देती है। तो एक और इशारा मुझे मिलता है कि दज्जाल जो है वो इसे बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही है। वो कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि शैतान अपना तख्त जो है वो समंदर के ऊपर लगाता है। और कुरान मजीद में वैसे दज्जाल का नाम नहीं है, ना इसका जिक्र है, लेकिन ये मसला इतना इंपॉर्टेंट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। लेकिन एक इशारा मिलता है कि शैतान का तख्त कहाँ है, वो अपना तख्त कहाँ लगाता है। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौना, ये ऐसी जगह पे अपना तख्त लगाता है कि जिससे तुम, जहां से तुम नहीं देख सकते। तो ये भी हम तो आजकल के दौर के अंदर तो आप समंदर में देख सकते हो, सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल वाहिद जगह है जहां तुम नहीं देख सकते। तो पता चला कि शैतान जो है, और शैतान का सबसे जहरीला तीर जो है वो दज्जाल है। कारामत और जहरीला तीर जो, तो मालूम ये हुआ। और इन लहरों को क्यों पैदा किया गया? बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत क्यों है? वो वजह यह है कि दज्जाल को वहां छुपाना है, अदरवाइज तो निकाल लाएंगे, ढूंढ लेंगे उसे। तो यही, लेकिन एक और मैं रिसर्च करते करते एक बात मुझे मालूम हुई कि दो डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर मोरिस जसूद,
लेकिन ये दो डॉक्टर जो थे इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। क्या मसला है? मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को शैतानी समुंदर और शैतानी जज़ायर में मकनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसानों से मख्फी रखा है। जब हुक्म रब्बी होगा तो उसके हाथ खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं गर्दन के साथ, घुटने और टखने जंजीरों से बांधे हुए हैं, और वो भी आजाद कर दिए जाएंगे, और वो बाहर आ जाएगा। और हो सकता है तब अल्लाह ताला मकनातीसी लहरों को कम कर दे, या ये होगा कि वो इन लहरों के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर तुरंत तस्वीरें देखी हैं। वो जो एलियन की नहीं आप देखते, वो एलियन जिस पर बैठ कर आते हैं आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ उनको उड़ते हुए देखा है। तो हो सकता है कि दज्जाल की पावर इतनी ज्यादा हो कि वो उन लहरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता हो। अब सवाल ये है कि समुद्री जजीरे से निकल कर दज्जाल बाद में पब्लिक के सामने कब और कहाँ से आएगा। ये तो बात तय हो गई कि दज्जाल किसी जजीरे में ही रहता है, और मेरी अकल के मुताबिक वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही है, क्यों कि वहां अभी तक किसी की रसाई नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब तक के जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आता। अब यह है कि जब वो वहां से आएगा तो फिर पब्लिक के सामने कब आएगा, आलमी ऐलान कब होगा, लोग उसको जानेंगे कब। तो दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले कुछ अलामत हैं, वो मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हदीस से बढ़कर हमारे पास कोई यकीनी जरिया जो है वो नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी में मदीना की वीरानी है, मदीना की वीरानी में जंग अज़ीम, और जंग अज़ीम का होना कुस्त-ए-दुनिया की फतह है जिसके बाद दज्जाल का निकलना है। तो पता यह चला कि मदीना वीरान हो जाएगा, इतना वीरान हो जाएगा मदीना कि वहां जानवर फिरने लग जाएंगे, इंसान मदीना छोड़कर निकल जाएंगे। ये दज्जाल से पहले की बात है। और जब ये मदीना वीरान होगा तो बैतुल मक़दस जरूसलम आबाद हो जाएगा, और मदीना की वीरानी के बाद जंग अज़ीम होगी, कुस्त-ए-दुनिया फतह होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ये दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले के मैं हालात आपको बता रहा हूँ। एक और हदीस हमारी मदद करती है ये जानने की कि दज्जाल के ज़ुहूर से कबल हालात क्या होंगे। बारिश बंद होकर दी जाएगी अल्लाह ताला की हुक्म से, और रिज़्क जमीन पैदा करना बंद कर देगी। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ज़ुहूर के पहले 3 साल सख्त होंगे। पहले साल अल्लाह ताला हुक्म देगा आसमान तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, ऐ जमीन तीसरा हिस्सा ज़रात रोक दे। दूसरे साल अल्लाह ताला फिर हुक्म देगा, अब जो बाकी बचा है उसमें से कहेगा अल्लाह कहेगा तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, जमीन को हुक्म देगा तीसरा हिस्सा ज़रात का रोक दे। तीसरे साल अल्लाह ताला हुक्म देगा आसमान बारिश मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, ऐ जमीन तू मुकम्मल तौर पर अपनी ज़रात रोक ले ताकि जानवर जो है वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जानवर तो घास खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं, तो यानी गोया के जमीन पर घास उगना भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ये है शैतान से पहले के 3 साल। इब्ने माजा शरीफ में ही हदीस मुबारक है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा की स्टडी करने के बाद हदीस के मुताले से मैं आपको बता सकता हूँ कि दज्जाल के ज़हूर से कुछ साल उसके पब्लिक में आने से पहले क्या हाल होगा। बैतुल मक़द्दस आबाद हो जाएगा, जंग अज़ीम होगी, मदीना शरीफ वीरान हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कुस्त-ए-दुनिया की फतह हो जाएगी, मुकम्मल कहत हो जाएगा, ना बारिश होगी ना फसल, लोग बुज़ुर्ग अदावत की वजह से बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से उसका माल और औलाद छीनेंगे, यानी एक दूसरे के बच्चे भी छीन लेंगे ये लोग एक आदमी की बात के लिए इकट्ठे होंगे जो बद अखलाक होगा, बेइल्म होगा, मुल्क में लाकानूनियत और उसके पास उससे निज़ाम भी नहीं चलेगा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोग दो किस्म के रह जाएंगे, एक जो मोमिन होंगे उनके अंदर मुनाफ़क़त नहीं होगी, ये बोल कम होंगे, दूसरे मुनाफिक होंगे, ईमान नहीं होगा, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये फितने जब फैल जाएं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी दिन उसका इंतजार करो कि वो पब्लिक में अपीयर हो जाएगा, या अगले दिन उसका इंतजार करो। तो दज्जाल किस मुल्क में आएगा? एक हदीस में है कि वो इस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। सही मुस्लिम शरीफ बाब जिक्र दज्जाल के अंदर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। हो सकता है कि वो निकले तो शाम और इराक के बीच से, मगर पब्लिक में ईलान तब हो जब वो इस्फहान, ये ईरान का शहर है, वहां के यहूदी बताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे तो पूरी दुनिया में खबर जो है वो आम हो जाए। अब हमें ये देखना है कि जब ये आएगा तो इसके पास पावर कितनी होगी और ये करेगा क्या।